गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, कोई भी इंश्योरेंस एजेंट क्या नहीं करेगा, वो किसी भी तरीके से सॉलिसिट नहीं करेगा या प्रिक्योर नहीं करेगा इंश्योरेंस बिजनेस बिना वैलिड लाइसेंस को होल्ड किए। इंड्यूस नहीं करेगा कस्टमर को कि वो किसी भी तरीके की मटेरियल इन्फॉर्मेशन अपने प्रपोजल फॉर्म में ऑमिट करे। इंड्यूस नहीं करेगा प्रोस्पेक्टस को कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करे प्रपोजल फॉर्म में या रॉन्ग डॉक्यूमेंट वो सबमिट करे इंश्योरर को। बिहेव नहीं करेगा डिसकर्टियस मैनर में प्रोस्पेक्ट्स के साथ, कस्टमर के साथ। इंटरफेयर नहीं करेगा अगर कोई भी प्रपोजल दूसरा इंश्योरेंस एजेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके प्रपोजल में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ऑफर नहीं करेगा डिफरेंट रेट्स, एडवांटेजेस, टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑफर की हैं इंश्योरर ने, उससे डिफरेंट वो ऑफर नहीं करेगा। देन वो डिमांड नहीं कर सकता या रिसीव नहीं कर सकता कोई भी शेयर उस प्रोसीड्स में जो बेनिफिशियरी को मिल रहे हैं अंडर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्स नहीं कर सकता पॉलिसी होल्डर को कि वो टर्मिनेट करे अपना एग्जिस्टिंग पॉलिसी और एक प्रपोजल वो से नहीं ले सकता है विद इन 3 ईयर्स जब जिस डेट से वो टर्मिनेट पॉलिसी हुई है। अगर एक कॉरपोरेट एजेंट है और उसके पास पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस है और उसके अंडर वो प्रीमियम जो रिसीव कर रहा है वो किसी भी एक पर्सन से या एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से 50% से ज़्यादा टोटल प्रीमियम वो प्रोक्योर नहीं कर सकता है एक ईयर में। अप्लाई नहीं कर सकता है फ्रेश लाइसेंस के लिए अगर जो उसका पहला लाइसेंस है वो कैंसिल किया है अथॉरिटी ने और उसे कैंसिल हुए अभी 5 साल नहीं इलाप्स हुए हैं उस डेट से जिस डेट से कैंसिलेशन हुआ था। वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का और अगर वो ऐसा करता है तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाएगा। हर एक जो इंश्योरेंस एजेंट है वो ये अटेम्प्ट करेगा ये इंश्योर करने की कि जो भी रेमिटेंसेस प्रीमियम्स के उसे मिल रहे हैं पॉलिसी होल्डर से वो उसे विद इन स्टेपुलेटेड टाइम जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको सबमिट करवाए ताकि जो भी बिजनेस उसने ऑलरेडी प्रिक्योर किया है उसे कंजर्व किया जा सके। ये जो नोटिस है वो ओरली भी दे सकता है और इन राइटिंग भी दे सकता है। देन कोई भी डायरेक्टर एक कंपनी का या पार्टनर फॉर्म का या चीफ एग्जीक्यूटिव और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव और स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो होल्ड सिमिलर पोजिशन अदर कॉर्पोरेट एजेंट के साथ अदर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं कर सकता है। देन आपका स्पेसिमेन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट के लिए, तो वही है डिपार्टमेंट ऑफ लाइसेंसिंग को एप्लीकेशन आप दे रहे हैं IRDA में। और वही सेम चीज़ जो हमने इंडिविजुअल के केस में इंश्योरेंस एजेंट के केस में की थी सेम तरीके से आपकी एप्लीकेशन है। लाइसेंस नंबर आपका क्या है, एक्सपायरी कब हो रहा है, डिक्लेयर आप कर रहे हैं पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन अपने बारे में और वही नीचे आप साइन करेंगे अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो ये था आपका स्पेसिमेन। देन ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6 और इसके साथ जो आपका सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।